मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करने के लिए सिंपल आपको एक सेट टॉप बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। इस तरह का आपको एक सेट टॉप बॉक्स ले लेना है, कोई सा भी सेट टॉप बॉक्स हो, सेट टॉप बॉक्स ले लीजिए और सेट टॉप बॉक्स से आपका काम चल जाएगा। तो देखिए करना क्या है और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक RCA केबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम प्यार से ऑडियो वीडियो केबल भी बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक लीड की और जरूरत पड़ेगी, जिसे हम 3.5 mm RCA केबल बोलते हैं, यानी इसे हम होम थिएटर वाली लीड भी कहते हैं, जिसका एक सिरा 3.5 mm का होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो RCA केबल का सिरा होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसे खरीद लेंगे। अब दोस्तों आपको कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जो हमारा सेट टॉप बॉक्स होता है, तो जैसे कनेक्शन आप अपने सेट टॉप बॉक्स के अपने टीवी के साथ करते हो टीवी को चलाने के लिए, सेम वैसे ही कनेक्शन करने हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम वो कनेक्शन कर लेते हैं जो हम सेट टॉप बॉक्स के टीवी के साथ में कनेक्शन करते हैं। ये जो RCA केबल है आपकी, जिसे हम ऑडियो वीडियो केबल बोलते हैं, इसके कनेक्शन कर लेते हैं इस सेट टॉप बॉक्स के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो वीडियो का दे रखा है यहाँ पर, ये जो है येलो वाला जो है वीडियो का है, तो इस पे हम लोग इस वाइट वाली लीड को लगा देते हैं। अगर आपके पास येलो वाली लीड है तो येल्लो को लगा देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो रेड वाली पिन दे रखी है, इस पर आपको रेड पिन को इस तरीके से लगा देना है। जो येल्लो वाली थी ये वीडियो की है और जो रेड वाली है वो ऑडियो की पिन है। हमारा टीवी हमारा ऑन है और इसके कनेक्शन हम लोग ऑडियो वीडियो पोर्ट पर कर देते हैं। टीवी के ऑडियो वीडियो पोर्ट यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है येलो वाली है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड वाली है, यानी कि यहाँ पर आप ऑडियो देंगे और यहाँ पर आप वीडियो देंगे। व्हाइट वाली हमने येलो वाली बनाई थी, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा दोस्तों इसे मैं ऑडियो को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब देखना टीवी में वीडियो आया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो सिग्नल दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने सेट टॉप बॉक्स में इसका एंटीना कनेक्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर HR लिखकर आ गया है क्योंकि ये HR कंपनी का है, मतलब ये जो है वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फिर से टीवी के पीछे आना है। टीवी के पीछे आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, जो ये म्यूजिक वाली लीड थी इस म्यूजिक वाली लीड को हटा देना है, मतलब ये ऑडियो वाली लीड को निकाल देना है। अब यहाँ पर केवल वीडियो की लीड लगी हुई है। अब सिंपल क्या करना है, जो ये हमारी RCA केबल है, इस RCA केबल में दो आउटपुट लीड यहां पर दे रखी है RCA केबल की, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो इसमें रेड वाली पिन है इस पिन को यहां पर इस तरीके से लगा देना है। और अब बचा आपका ये 3.5 mm का सिरा, तो इस 3.5 mm के सिरे को आपको सिंपल क्या करना है, अपने मोबाइल में लगाना है, जहां पर आप ईयरफोन वगैरह लगाते हैं वहां पर इसे लगा दीजिए सिंपल तरीके से। तो इसको मैं यहां पर लगा देता हूं। तो अब पूरा सेटअप यहां पर तैयार हो चुका है। अब सिंपल हमें केवल सॉन्ग को यहां पर प्ले करना है। जैसे मैं यहां पर सॉन्ग को प्ले करूंगा, जितना भी ऑडियो वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा और आपको टीवी पर सुनाई देगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसे प्ले करता हूँ ऑडियो सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पर हमें अपनी टीवी में ऑडियो सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे सॉन्ग में वॉइस ज़्यादा तेज होगी वैसे वॉइस यहाँ पर आपको सुनाई देगी। तो इसे आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने टीवी के रिमोट से भी इसकी वॉइस को, टीवी की वॉइस को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे, कम और ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग को प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको केवल म्यूजिक सुनाया है। और आप चाहें तो कोई सा भी सॉन्ग आप इसमें आसानी से चला पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।